back to another video of Road Rishabh. तो अभी के लिए रॉयल यामाहा की तरफ हम आए थे, थोड़ा मतलब बात करने, फिर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे. एनीवेज, तो अभी खैर हमें जाना है यूनिवर्सिटी, जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, CSDM. तो खैर इस बारे में ब्लॉग नहीं बना रहा, ब्लॉग हमें जिस टॉपिक बनाना है उसका थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा आपने. तो उसकी बात कुछ इस प्रकार है कि यामाहा ने अपनी फाइनली एक न्यू एडिशन की बाइक लॉन्च कर दी है, जो कि है मॉन्स्टर एनर्जी का लिमिटेड एडिशन. तो सुबह सुबह मैंने देखा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, जो कि यहाँ के इसके अगर सामने की तरफ बताएं तो मॉन्स्टर एनर्जी दिया गया है, मतलब लोगो दिया गया है, थोड़ा सा यामाहा का दिया गया है, और साइड पैनल से बात करें पूरा मॉन्स्टर एनर्जी का एम बनाया गया है. तो बहुत अच्छा लगा है, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं जो कि दिख रही होंगी आपको. तो बहुत अच्छा लगा मुझको देख के, और ये जो एडिशन है वो भी बहुत प्यारा लगा. खैर अगर बात करते हैं इस एडिशन के बारे में, तो खैर सिर्फ डिज़ाइन और ग्राफिक चेंज हुई है, बाकी सब वही है, जो कि 155 cc है, जो कि आपको 19 BHP में 10,000 RPM प्रोड्यूस करेगी, और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है जो कि 8,500 RPM पे जनरेट होता है, और डुअल चैनल ABS है ऑब्वियस ही बात है. और इसमें जो भी मिलता है वो सेम जैसे नॉर्मल R15 है वैसे ही है, सिर्फ मॉन्स्टर एनर्जी का जो ग्राफिक है वही किया गया है इसमें, और बहुत प्यारा लग रहा है. तो इसी चक्कर में हम गए थे यामाहा बात करने की कब ये लॉन्च हो रहा है. खैर अभी तो उनको कोई अपडेट इसके नहीं मिले कि ये शोरूम पे कब आए, लेकिन खैर जब भी आएगी तो मैं डेफिनेटली उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा. और बात करें तो मतलब प्यारा है, बहुत अच्छा लगा, मतलब फ़ोटोज़ में इतना अच्छा लग रहा है तो रियल में मतलब कितना अच्छा होगा. और जैसे ही ये लॉन्च हुआ, जैसे ही शोरूम में आया, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगा. तो उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो भी देख रहे हैं. और एक और बात, थैंक यू, हम लोगों ने फाइनली 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, ये भी बहुत अच्छी है बात है. चैनल ग्रो हो रहा है धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है. खैर जिस टॉपिक पे थे उसी पे वापस आते हैं. हाँ, तो ये जो एडिशन था वो पिछले साल जो कॉल ऑफ द ब्लू इवेंट हुआ था 2018 में, उसमें ये रखा गया था, और अब ये फाइनली मतलब लॉन्च हो गया. खैर बात हुई थी कि दीपावली तक, मतलब नवंबर तक, 2019 नवंबर तक ये लॉन्च हो जाएगा, बट ये अभी अगस्त में ही लॉन्च कर दिया गया है, तो बहुत ही अच्छी बात लगी. और आई विश लास्ट अगस्त तक मतलब पूरे शोरूम्स में, जो कि यामाहा के शोरूम में, उसमें अवेलेबल हो जाए, तो अच्छी चीज़ लगी मुझे. और ये जो एडिशन है खैर प्यारा बहुत है, मॉन्स्टर एनर्जी देखना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि है कैसा ये हमें पता करना है. जब पिक में इतना अच्छा लग रहा है, सामने से कितना अच्छा होगा. खैर और प्राइस के बारे में अगर इसमें बात करें, तो इसका जो मतलब प्राइस है वो रखा गया है लगभग जो नॉर्मल वेरिएंट है R15 का, उससे 2,500 ज़्यादा ही रखा गया है. और ये जो वेरिएंट है जो मॉन्स्टर एनर्जी का है, वो दो बाइक में मतलब दो गाड़ियों में यामा की और आया है, एक जो यामा की रेस एडार है, दूसरा FZ25 है, जो कि यामा की 250 cc की नेकेड बाइक है FZ. तो बहुत ही अच्छी बात है, जो कि नेकेड नहीं मतलब यूज़ करते, मतलब जो कि फुल्ली फेड नहीं पसंद करते उनके लिए नेकेड है, और जो कि R15 बस पसंद करते हैं उनके लिए तो खैर बनी है ये बाइक, मज़ेदार है, अच्छा है. यहीं से ब्लॉग करते हैं एंड. तो वीडियो अच्छी लगी तो उसका लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. और सब्सक्राइब कर लेना उसकी वीडियो देखने के लिए जो कि मैं डालूंगा R15 पे. तो बाकी सब फर्स्ट क्लास है, यहाँ से करते हैं एंड को, मतलब वीडियो को करते हैं एंड. तो मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.